सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान्, सब पर दया करो दयावान्, सब पर कृपा करो हे महान्, सबका सब विधि हो कल्याण। आदर के योग्य धर्म प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र इस देश की माताओं और बहनों, आज एक बहुत गंभीर विषय हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसके विषय में वेद के अंदर लिखा हुआ है, गाओ विश्वस्य मात्रः, कि गाय सारे विश्व की माता है। गौ माता किसी से भेदभाव नहीं करती है, ये हिंदू को भी दूध पिलाती है, मुसलमान को भी दूध पिलाती है, सिख को भी दूध पिलाती है, ईसाई को भी दूध पिलाती है। गौ माता के दूध को पीकर के अपना जीवन पवित्र सभी बनाते हैं। लेकिन आज इसी देश के अंदर गौ माता के गले के ऊपर छुरा चल रहा है। सूर्य निकलने से पहले इस देश के अंदर हजारों गौ माताएं काट दी जाती हैं। जहां इस देश के राजा कभी नंगे पांव गौओं को चराने के लिए जंगल में जाते थे, आज उसी देश के अंदर मां अपने देश के अंदर आज आवारा कहलाती है, सड़कों के ऊपर घूम रही है, कूड़े के ढेर के ऊपर, कचरे के ऊपर, ढेर के ऊपर गंदगी खा रही है वो मां। यदि किसी के खेत में जाकर के लहलहाती फसल में जाकर के घुस जाती है तो वहां उस मां को लाठियां मिलती हैं। इसलिए आइए देशवासियों, सारे विश्व का गुरु कहलाने वाला ये देश सारे संसार को एक सच्चाई का संदेश देने वाला ये देश, यदि इतना महान कवि था तो उसका एक कारण था गौ माता का दूध, गौ माता का पालन। लेकिन आज उसी देश के अंदर गौ माता रो रो करके बिलाप कर रही है। कुछ जालिम कसाई उसे पकड़ करके ले जाते हैं और वो मां जिस समय हत्थे के अंदर बंद कर दी जाती हैं और सामने उसे वो मशीन, वो आरा दिखाई देता है जिसके नीचे इसकी गर्दन थोड़ी देर में आने वाली है, और उसको देख करके मां मन में विचार कर रही है, कुछ सोच रही है, और उस मां के दुख, जो उस मां का दर्द है वो मां बयां कर रही है। हालांकि पशु पक्षी बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को विद्वान और कवि लोग समझ लेते हैं, और वो कवि बोलते हैं, उनके दुख को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। इसलिए हमारे हरियाणा के एक बहुत अच्छे कवि आदरणीय श्री राजेश भेंट जी ने ये नक्शा खींचा है और गौ माता का वो दर्द अपनी कलम से बयां किया है, जो के एक गौ माता अपने बेटे से कह रही है, बछड़े से कह रही है। गांव के अंदर से जब उसे खींच करके, पकड़ करके ले जाया जा रहा है, और उस समय वो छोटा सा बच्चा उसके साथ में बछड़ा दौड़ता हुआ कहता है, मां तुझे कहां ले जा रहे हैं, मां ये लोग तेरा क्या करेंगे। उस समय वो गौ जो है ना अपने बेटे की तरफ देख करके कहती है, और यहां तक नहीं, उन कसाईयों ने बछड़े के गले में भी रस्सी डाल ली, उसे भी साथ लेकर के चल दिए। उस समय वो बछड़ा कहता है, मां बता जरा मुझे ये ले जा कर रहे हैं। तो वो अपने बेटे से क्या दर्द बयां कर रही है, आइए सुनिए। थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा आरा, मेरे चल जाएगा आरा, थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा आरा, मेरे चल जाएगा आरा। इस जग में देख सुन मेरे बेटा कोई नहीं हमारा, थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा आरा, मेरे चल जाएगा आरा। इस जग में
ये तिरछी टोपियाले हमने घेर लेवेंगे, तिरछी टोपियाले हमने घेर लेवेंगे। बेटा जब मैं गांव के गोरे पर बैठी थी उस समय मुझे चिंता सता रही थी, लग रहा था कि ये आकर के हमारे को घेरेंगे और वो काम हो गया बेटा। ये तिरछी टोपियाले हमने घेर लेवेंगे, रस्से काले के सहारा फिर बीच में घेर लेवेंगे, रस्से काले के सहारा फिर बीच में घेर लेवेंगे। गले के ऊपर चप्पू रख दे वह खून की धारा, सुन मेरे बेटा कोई नहीं हमारा, थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा यारा, दिख चल जाएगा यारा। और गाय ने रोते हुए कहा आंखों से आंसू बहा करके, बेटा बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देंगे मुझे आरे उसमें ले जा करके हाथे में आरे के साथ में, कैसे करेंगे। गर्दन और पैरों को एक झटका देंगे, गर्दन और पैरों को एक झटका देंगे, उतार के चमड़ी मारी उल्टा लटका देंगे, उतार के चमड़ी मारी उल्टा लटका देंगे। आंधी ओझ को साफ करे, आंधी ओझ को साफ करे जो खा रख्या से चारा, थोड़ी देर फिर ये मांस मारे न टुकड़ों में बांट देवे, फिर ये मांस मारे न टुकड़ों में बांट देवे, कलेजी फेफड़े चर्बी ये न्यारे छाट देवे, कलेजी फेफड़े चर्बी ये न्यारे छाट देवे। भर भर थैली ले जाएंगे कोई नगद और कोई उधारा, थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा हारा, रे चल जाएगा हारा। इस जग में देखे सुन मेरे बेटा कोई नहीं हमारा, थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा हारा, मेरी चल जाएगा। बछड़ा कहता है आखिर माँ ये क्यों कर रहे हैं, माने के बेटा ये लालची है, इनको पैसा चाहिए, इनको धन चाहिए, हमारी हत्या हो, हमारे ऊपर जलम हो, हमारे के गले के ऊपर चाहे छुरा चले कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों को तो पैसा चाहिए ना, इसलिए ये सब सारे अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों क्यों या हमारी दशा है, हिंदुस्तान के लोगों क्यों यह हमारी दशा है, पैसा 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 बस पैसे का ही नशा है, पैसा 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 बस पैसे का ही नशा है। राजेश भेंट तुम्हारा मीठा दूध, राजेश भेंट तुम्हारा मीठा दूध अब क्यों लगता है धारा, थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा।
जाएगा आरा, ले चल जाएगा आरा। इस जग में देखे सुन मेरे बेटा, कोई नहीं हमारा, थोड़ी देर में गर्दन ऊपर चल जाएगा आरा, मेरे चल जाएगा।